दो दिनों के बैंक हड़ताल के बाद आज हड़ताल पर LIC कर्मचारी। एयरटेल पेमेंट बैंक की विस्तार योजना, अब 10 करोड़ ग्राहकों पर है कंपनी की नजर। SBI की राह पर आगे बढ़ा PNB, क्रेडिट कार्ड कारोबार के लिए बनाई एक नई कंपनी। हाईकोर्ट में प्रतिवादी ने कहा, मराठा सामाजिक व राजनीति रूप से प्रभावशाली वर्ग। डेयरी मिल्क बनाने वाली कंपनी कैडबरी के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, 240 करोड़ के फ्रॉड का मामला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बुलाई रिव्यू मीटिंग। BJP के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस में चोरी। अहमदाबाद में अब सभी पार्क और जिम बंद। बंगाल इलेक्शन, 82 साल की महिला ने डाला पहला वोट, CRPF के साथ मतदान कर्मी खुद चलकर पहुंचे उनके घर। MP अर्जुन सिंह पर हमले के बाद अब मुर्शिदाबाद में भी बाल्टी भरकर जिंदा बॉम्ब मिले। UP में जल्द आएगी 51,000 टीचिंग वैकेंसी, UPTET का है इंतजार। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा फैसला, स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में मिलेगी 40% आरक्षण। 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस, नागपुर में कोरोना विस्फोट की स्थिति, महाराष्ट्र। UP पंचायत इलेक्शन, जिला पंचायत अध्यक्ष के सीटों के लिए नई आरक्षण सूची जारी। पुलिस कमिश्नर मामले पर फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, राउत ने किया पलटवार, कहा प्रमाण है तो दिखाओ। सचिन वाजे और परमवीर सिंह छोटे लोग, इनके पीछे बड़े लोगों का हाथ, कमिश्नर के बदलने पर बोले देवेंद्र फडणवीस। मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता को फिर लौटाएंगे, पुलिस कमिश्नर बनने के बाद बोले हेमंत नगराले। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हटाए गए, हेमंत नगराले होंगे नए पुलिस आयुक्त। ठाकरे सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें, NIO को सौंपी जा सकती है मनसुख हिरेन मामले की जांच। बढ़ रही है सोने की कीमत, अब हुआ 45,000।